जिस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से तो मैं पैदल चला जाऊंगा बात है ना भाई। मैं फर्स्ट फ्लोर उतर गया भाई। अब मैडम मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, बट मेरा काम है डिलीवरी करना, मैंने कर दिया और पेमेंट भी है। 4 7 हेलो, अंदर नहीं मैडम, बाहर। सही गवा दिया मैडम। मैडम मैं वहाँ खड़ा था, लोकेशन उन्होंने दे रखी थी वहाँ पे। मैंने वहाँ पे पूछा गेट नंबर 1 है, वो भी कह रहे गेट नंबर 1 है। बोला एमएस ऑफिस है, मैं कहा हाँ एमएस ऑफिस है। अब देखो हम रोज तो आते नहीं, हम तो रोज आए, हम तो लोकेशन के हिसाब से। तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉक में, ठीक है। और भाई टाइम हो रहा है अपना 11:31, 10 बजे से लॉकिंग हूँ। तो फिलहाल अब मुझे मिला है एक पार्सल रोहनी के लिए, ठीक है। 20 किलोमीटर दिखा रहा भाई, 200 कुछ का अमाउंट है। पार्सल मैंने ले लिया है क्योंकि अपनी कॉलोनी से ही था, और पार्सल का रिकॉर्ड इनका बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। मैंने बोला पहले देख लेता हूँ पार्सल क्या है। पार्सल चलो मीडिया में निकला अपने लाइक जो पोर्टर का साइज है 40x40 सेंटीमीटर, उससे बल्कि छोटा ही है। तो ले लिया भाई, और मीटर रीडिंग अपनी 229। देखते हैं भाई, करीब 45 मिनट दिखा रहा है यहाँ से पहुँचने के लिए। आज भाई बजी तो थी इससे पहले कहाँ की बजी थी, गुड़गावा सेक्टर 37 की, आज 300 कुछ रुपये का अमाउंट था भाई। ले लिया किसी ने, वहाँ का ले लिया था, ठीक है। और कहाँ की थी पिकअप लोकेशन, आकाश गया था हमारे बगल वाले कॉलोनी में। वहाँ का भाई साहब मिल जाता ना, कहते ना सुबह सुबह अगर मोटे अमाउंट की शुरुआत हो जाए ना तो दिन भाई साहब बहुत अच्छा था। पर ठीक है, ये भी मोटा ही अमाउंट है एक टाइप का, 200 से ऊपर ही का अमाउंट है। काट पीट के करीब हमें मिल जाएगा 170-175 के आसपास मिल ही जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और पहुँचते हैं फटाफट रोहनी, ठीक है। और मिल के फिर वहाँ बात करेंगे, वहाँ पार्सल भी दिखा दो। यही है ना, ये लो भाई 12 नंबर यही है ना। अच्छा रिपेयरिंग होती है इधर, पेमेंट अब ये देगा वो देगा। हाँ अब भाई जी पेमेंट कौन करेगा, आप करोगे वो करेगा, पहले बोल के चलो ना भाई पेमेंट ये करेंगे वो करेंगे। पता चला उधर को भी पता नहीं, इधर को भी पता नहीं, और मैं बीच में अटकाऊँ। ये मशीनें ठीक होती हैं यहाँ पे। QR कोड भेज देते हैं भाई साहब को, QR कोड भेज दो जो मर्जी करें, है ना। मुझे हेलमेट के अंदर माइक लगता है, 28 रुपये महीने इसमें। कुछ बजेगा तो ठीक है, नहीं बजेगा तो कोई बात नहीं। अरे भाई थोड़ा सा भाई, 12:41 हो चुके हैं और भाई 115 का बजा था पोर्टल में। बजा क्या है ही बजा, लास्ट तक देखा भाई कोई ले लेगा, मगर भाई किसी ने नहीं लिया तो मैंने ले लिया भाई। भाई यहाँ से पिकअप देखोगे 2.4 किलोमीटर पिकअप है इसका। क्या यार क्या जाना कहाँ है इसको, ठीक ओके जी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे करना पड़ना है। ट्रिप स्टार्ट करते हैं, कितनी दूर है यहाँ से, 115 रुपये का है तो कितनी दूर है, 6.7 किलोमीटर दिखा रहा है। और इधर से और ये ठीक है भाई, 6.7 किलोमीटर, 18 मिनट दिखा रहा है, 12:55 लंगड़ हो रहा भाई। बज रहा है देखो नाहरपुर के लिए, क्योंकि अभी मेरे हाथ में पार्सल है, और जब पार्सल नहीं हो तो इसकी दादी की सन्नाटा हो जाएगा पूरा। लोकेशन के पता आ गए भाई इसके। भाई तो TVS शोरूम का, TVS हाँ मैंने कहा बिन हैंड TVS शोरूम 808 इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। ये तो नहीं लिखा Part 1 Part 2। इधर आ भाई, इंद्र अरोड़ा भाई नहीं तो तुम्हारा इंद्र भी आएगा। इंद्र अरोड़ा यही आ गए मेरे जो खट पे आए तुम। क्या बेटा 20,000 का। लाइव नहीं होता बेटा कोई भी, एडिटिंग होती है इसके, रिकॉर्ड होता सारा। नहीं खाली कैमरा बेटा। लो भाई पार्सल, अमाउंट भी है 115 रुपये। अब नहीं बजेगा तुम देखना, पहले बज रहा था ना, अब नहीं बजेगा। ये जो खड़ा बाल है इनको, अब 58 रुपये का पार्सल है। कमलापुरी गाड़ी 1 किलोमीटर जाना ही है, अटा पड़े हैं। प्राप्त हो गए भाई, मैंने प्राप्त हो गया। दे दो भाई चाबी दे दो हमें। आगे 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 फिर आ रही संत नगर। ओ भाई टाइम हो रहा है अपना 1:23, 1 बजा था 254 का गाजियाबाद का बजा था, बट नहीं मिला कोई और ले गया। फिर उसके बाद बजा भाई ये 183 रुपये का, ठीक है मोती बाग जाना है सराय रोडला, 183 रुपये का अमाउंट है। और भाई साहब इसका भी पिकअप देखोगे ना पूरे 2.2 किलोमीटर 6 मिनट दिखा रहा है यार,
क्या करूँ मैं तो, आज तो सारे यही मिल रहे लंबे लंबे। चलो कोई नहीं, मैं विकास ले ले भाई, पता चल तू बैठा रह जाएगा ना तो ये भी हाथ से चला जाएगा। छोटे छोटे ही मिल रहे हैं, मारते जाओ, एटलीस्ट काम तो करना ही ना हमें। चलो मिलते हैं फिर, देखते हैं क्या है पार्सल, पार्सल पर डिपेंड करता हमारा। तो भाई चौराहे पे खत्म है कहानी, अब सुनते हैं हम कस्टमर की जुबानी। कहाँ है मेरी रानी? पंजाब स्वीट बेकरी। ऑरेंज कलर की टी शर्ट में तुम्हें को नहीं दिखा? हाँ ये क्या, ये लोंडा जो खड़ा? हाँ तो यार ऑरेंज, चलो हाँ ले लिया ले लिया, पेमेंट वही करेंगे। एक मिनट भाई, मेरे बहुत दौड़ा है यार, दौड़ा कुछ नहीं बट यही है ना, इधर ढूंढने डालने में ना कन्फ्यूजन होती है। बुकिंग तो किसी और ने करी है तो पेमेंट भी वही करेगा। अरे भाई मेरी जान प्यारी के फोन पे धूप आ रही है, देखते हैं कितनी दूर है। 13 किलोमीटर दिखा रहा भाई, और इधर से 36-34 यही बेस्ट है भाई। 1:34 मिलते हैं। अरे कौन सी डेयरी, कहाँ की डेयरी, किधर आते भाई रे? कितना नंबर है? 19/286। अब क्या पता कौन सी बड्डी कौन सी 86। राधिका एंटरप्राइजेस, आज सर पोर्टर से बोल रहा था। जो भी हो भाई, हम तो लोकेशन पे आ गए। लोकेशन पार्ट क्या और दिलदार है भाई ऐसे लोग। अच्छा आप ही हो गया, एक आपके हो गए हैं 83 रुपीज़, 183 लगता है अभी डाटा ऑन किया। बात 318 का पता नहीं कहाँ का है। ऊपर में बच गया पार्सल, अब कहाँ का है तो पता नहीं, बट 318 का अमाउंट दिखाया है 25 किलोमीटर किस हिसाब से दे रहे हैं 318 भाई। अरे 3:14 समय इतना भाई, इसका लोकेशन भी भाई सब ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है 1 मिनट की दूरी भाई सब। अब इधर से है देखते हैं, उल्टा है सीधा है भाई। 42 नंबर बिल्डिंग कौन सी? 42 नंबर भाई जी, 42 नंबर बिल्डिंग कौन सी? अच्छा ये तो जाली वाली लिफ्ट है ना, उसी के बगल में ना। कोई पार्सल जाना कहाँ के लिए? पोस्ट शॉप चार मार लिया, कहाँ के लिए है? अब लिफ्ट से जाऊँगा, मैं बढ़िया लिफ्ट लगवा लेते यार। अच्छा लोडिंग अनलोडिंग वाला लगवा रखोगा ना, पेमेंट वही करेंगे? ओके थैंक यू। अरे बाप रे आ गए, नोएडा और गाजियाबाद के बीच का है, कितना किलोमीटर भाई? जो रोड दिखा रहा है उसी के हिसाब से, अरे जिस हिसाब से आ रही है उसी हिसाब से तो मैं पैदल चला जाऊंगा बात। देख फर्स्ट फ्लोर उतर गया मैं, अरे अभी तक आया नहीं है भाई, 32 किलोमीटर है। अरे हाँ तभी 300 कुछ दिखा रहा था ना ये, तभी तो इसलिए तो कहते हैं ऊबर। अरे ऊबर अपना दबाव मत लगाना भाई, 2:22 हो रहे हैं। अच्छा एड्रेस कहाँ का है? इंडस्ट्री एरिया ही है, 67 नोएडा। मिलते हैं दोस्तों, 1 घंटे का तो ट्रेवल है। तो दोस्तों भाई पहुँच गए हम तो भाई नोएडा सेक्टर 67 और 2070 सामने ही है 2070। अब जरा कस्टमर को कॉल करते हैं। कॉल करो, थर्ड फ्लोर पे जाना है, थर्ड फ्लोर पे जाओ। अब सी यही पे है लिफ्ट, कहाँ है लिफ्ट? लिफ्ट लिफ्ट, अरे यार लिफ्ट का लिफ्ट लिफ्ट यही है ना, आ सकता हूँ थर्ड फ्लोर कर लेते थोड़ा बहुत। तो कहाँ ढीला हुआ कौन? ये भी ऑफिस वालों की मौज अलग है भाई, ऑफिस की जिंदगी सबसे अलग है।
डोर टू डोर उबर में भी थर्ड फ्लोर पे आ तो गए आप, देखो पेमेंट कितना बनता है। अब मैडम मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, बट मेरा काम है डिलीवरी करना, मैंने कर दिया और पेमेंट भी है 4878 बारकोड। हाँ हाँ जी हाँ 478 ओके थैंक यू। देखते हैं कितना मिलता है, काटेगा काटेगा कितना काटेगा, 6 फ्लोर। अरे वाह ये हो ना बात, मजा आ गया भाई। हाँ वैसे चलो चलो ना घूमने में अच्छे से इस वजह से होगा। किलोमीटर कितना चलाऊंगी इस पर, 37 का क्या रेट दिया भाई, घर दो रहे भाई 46 किलोमीटर। कोई नहीं चलेगा, टाइम भी कुछ और ही होता भाई। मौज कर दी आज तो, बस अब घर का शुक्रिया मिल जाए तो दिल सुहाना हो जाएगा भाई। 4 बज गए पूरे, ऊबर में फिर से मिल गए भाई आनंद विहार के लिए, ज़्यादा नहीं 900 मीटर है, लगभग 2 मिनट घर ही है, उल्टा है तो फटाफट से पहुँचते हैं फिर बात करते हैं भाई। टाइम ना बर्बाद करते हुए जो मिल रहा है ले लो, अगर पनौती लग गई ना तो समझ लो यहाँ से 45 किलोमीटर खाली जाना पड़ जाएगा। तो भाई सूझबूझ यही है, फटाफट से निकलो। लोकेशन पे आ गए हूँ, गेट नंबर 2। अरे यार ओवर विद्या के नाम पे, ले लो पिन बता दो, क्या बताया 0369 16 पिन 31 मिनट दिखा रहा भाई, तगड़ा यू टर्न क्यों मारा यार ये तो, बट कोई नहीं भाई 31 मिनट दिखा रहा है 15 किलोमीटर मिलते हैं भाई। 4:11 हो रहा भाई, देखो 5:05 पे भाई 1 मिली है शब्दजन क्लब के लिए, ठीक है एम्स दिल्ली, एम्स गेट नंबर 1 ठीक है, और यही आनंद विहार से लेना है हमें, और पिकअप है भाई इसका कम से कम 2 किलोमीटर। बज रहे थे भाई मगर उल्टे बज रहे थे, नोएडा नोएडा कौन जाएगा, एक वो बजा लक्ष्मी नगर का मगर हट पड़े, बेसिक थोड़ा लेट सही मगर अपने रूट का लेंगे, बिना रूट का तो बेकार है भाई जिंदगी। तो चलो फटाफट पहुंचते हैं इसके पास, देखते हैं कि कस्टमर के पास असल क्या भेज रहा है। सीता सीता कैसे रखे जाऊं, चौप सीधा पीछे बांध लू, पकड़ना रस्सी से टाइट बांधना पड़ेगा, ये सीट तो बड़ी दिक्कत होती है सर, कॉपी तो पी भी है हाँ इस पर रखो। खाना है एमएस ऑफिस, बाकी कोई बात होगी तो पूछ लेंगे यार, ऐसे ऐसे पार्सल डिफिकल्ट देते हैं, जो कहते खड़े है को जाओ बैठ यार, गाड़ी घोड़ा भाई कोई पता नहीं होता। गेट नंबर 1 कितने किलोमीटर भाई यहाँ से, भाई 23 किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ से बाहर निकल के और यहाँ से 18 किलोमीटर है, तो 18 चलते हैं ना भाई, कितना तो लंबा घूमे 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों। और भाई अमाउंट हमारा 276 का, ठीक है दोस्तों अब मिलते भाई सफदरजंग। बताओ यार ऐसे तो हमने कमा लिया और खा लिए, अगर एक एक पार्सल में मुझे इतना टाइम लगेगा तो 7 बजने वाले हैं 6:52 हो गए हैं ठीक है, और अब जाके मैं पहुँचूँगा लोकेशन डालने वाला महान, और जो लोकेशन पर ले रहे हैं वो भी महान। आवाज़ आ रही है मैडम, हाँ मैडम इधर देखो सामने देखो मैडम,
इधर 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 सामने की तरफ देखो। हेलो, अंदर नहीं मैडम, बाहर। मैडम क्या सही घुमाते मैडम? मैडम मैं वहां खड़ा था, लोकेशन उन्होंने दे रखी थी वहां पे, मैंने वहां पे पूछा गेट नंबर एक है, वो भी कह रहे गेट नंबर एक है। बोला एमएस ऑफिस है? मैंने हाँ एमएस ऑफिस है। अब देखो हम रोज तो आते नहीं, हम तो रोज आए, हम तो लोकेशन के हिसाब से आते। मैं खुद इतनी परेशान हो रहा हूँ, मैं तो इतनी देर में कब तक रिपीट हो जाता। ठीक है मैं बोलता हूँ। नहीं उन्होंने बोला जिनसे बुक किया उन्हीं से ले लो बारकोड। हाँ ठीक है भेजता हूँ। ठीक है ठीक है, वह 6:56 पे मिलते हैं। तो भाई डन कर दिया हमने पार्सल, ठीक है। दिमाग ख़राब कर दिया भाई, 1.5 घंटा ख़राब करते हैं। तभी ज़्यादा ना लेके भाई, 40 रुपये ही एक्स्ट्रा लिए मैंने, अगर 300 रुपये कट लो आप सीधा। यार कैंडो तो ज़्यादा होते, बट थोड़ी बोल हमारी भी है ना भाई। उसमें लिखा हुआ था साफ एम्स गेट नंबर एक, और मैं लोकेशन के भरोसे रह गया। आप बताओ ये करोड़ बाग मेरे को लेके जा रहा पागल सा। अपने घर जाऊंगा या करोड़ बाग जाऊंगा? चल निकल यहाँ से, मेरे रूट का देगा तो ठीक है, नहीं तो अब मैं ना रेलवे वाला। यहाँ से करीब भाई घर की जो दूरी है करीब 24 किलोमीटर दूरी है भाई। यार अब तक तो मैं घर पहुँच चुका होता, कितनी देर इन्होंने कल्याण नाती कर दी। चलो भाई जो हुआ अच्छा हुआ, जैसा भी हुआ कुछ कह नहीं सकते। मुड़ने के लिए 2 मिनट में मुड़ गए, मगर इधर मुड़ने के लिए पूरे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करना पड़ा यार। वेटिंग का तो पैसा नहीं लिया भाई मैंने, तो गलती इनकी भी तो नहीं है, मैं गलती तो हमारी है भाई, इसलिए हमने कम ही पैसे लिए, ज़्यादा नहीं लिए। अब देखते हैं भाई, 7 बज चुके हैं, हमारा चैलेंज जो 6 डे का 8 hours in 1000 चैलेंज वो तो कंप्लीट हो चुका है, बट 1 hour से लेके अभी 9 hours हो चुके हैं भाई। बाकी अब देखते हैं क्या मिलता नहीं मिलता, आगे देखते हैं, अपडेट करेंगे, मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों घर के नज़दीक आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर रह गया। और भाई इतना तगड़ा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे, इतना तगड़ा कि भाई पहाड़ पे चढ़ाना पड़ गया मुझे, बंदे चढ़ाने पड़ा तो पहाड़ भाई ने खींच के लिमिटर भंग करके ऊपर चढ़ा दिया। तो भाई टोटल कमाई हुई हमारी 1235, जिसमें भाई होटल में हमारा 650 और उबर में हमारा 551 और 44 रुपये हमने एक्स्ट्रा लिए थे सब दर्जन वाले पे, तो टोटल हो गया हमारा 1235। अब बात करें बाइक कितनी चली भाई हमारी, तो बाइक चली भाई 229 तो मीटर रीडिंग थी सुबह की, और अभी 300-376 हो जाएंगे, तो अराउंड हम 140-144 150 मान लेते हैं यार, 150 चल गए, तो 250 रुपये तो पेट्रोल का हो गया, ठीक है। प्लस 25 रुपये हमारा ओवर में भी तो काटेगा भाई, मगर ये देखो भाई जब 25 रुपये उनको काटना ही है और 5% टैक्स काटना है, तो जब कस्टमर का 478 रुपये का बिल बना तो भाई वो किस हिसाब से 5% टैक्स काटा है जो मुझे दिए सिर्फ 428 रुपये है ना। मगर चलो भाई जो दिया अच्छा दिया भाई, 32 किलोमीटर का इतना दे दिया बहुत है भाई, इतना तो फोटो भी नहीं देगा कभी कभार, तो वही है भाई, तो 275 ये मान लो, ठीक है टोटल 275 हो गए। और तो हमारे पास 1235 में से हमने 275 निकाल दिया, तो भाई 960 बचे पाए। अब बात करें कितने घंटे में हमने काम किया, तो घंटे की बात करें तो भाई सुबह तुम्हारा भाई 10 बजे लॉगिंग हो चुका था
स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, बकाया सारे ऐप मैंने 10 बजे ऑन कर दिए थे, ठीक है। और अब जो मैं घर जा रहा हूँ, करीब 8 बज जाएंगे घर जाते जाते, तो 10 घंटे हो गए आज भाई, 8 घंटे से ओवर हो गया, अब 2 घंटे फालतू हो गए, तब जाके इतनी कमाई हुई। नहीं वैसे तो भाई हो ही जाती कम, घंटे कम ही होता है, अगर सब्जन में मेरा 1 घंटा बर्बाद नहीं होता तो अभी तक भाई 7 बजे तक मैं घर पे होता, 9 घंटे की अर्निंग होती। तो कोई नहीं भाई, अब हुई तो हुई है भाई, तो 10 घंटे में 960 रुपये की कमाई हुई भाई। तो भाई आज का हमारा 6 डे का चैलेंज 8 आवर अर्निंग 1000 वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो